अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये पार्ट टू है भाई। पार्ट वन हमारा जो नीचे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा था वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था और हम टॉप पे पहुँच चुके, तो वहाँ पे एंड हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर जो है, ऊपर का जो नज़ारा है शेख वदीन का, वो आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगा। यार अभी हम लोग ऊपर टॉप पे पहुँच चुके हैं और ये देखें पीछे हफीज पिक्चर खींच रहा है। हम क्या नंबर के अभी साथ दोबारा बैठ की पिक्चर लो, जिस तरह पहले ले रहे थे उस तरह का पिक्चर दोबारा लो। यार अच्छा है, ऊपर टॉप पे आके आपको ये तालाब नज़र आ रहे होंगे। ये इधर कोई है, एक दो तीन चार, कोई चार तालाब है। मैं आपको आगे वाले भी दिखा देता हूँ। तो ये जो तालाब है, ये यहाँ पे पानी के लिए यूज़ होते हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी यहाँ पे स्टोर होता है और फिर यहाँ के लोग इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इधर बाकी पानी का कोई सीन नहीं है। नीचे की तरफ से कोई पाइपलाइन नहीं है, ये नीचे से सिर्फ बिजली है। और उस बिजली के वैसे एक फ़ायदा है, ये देखें मोटर लगी हुई है, तो वो लोग अभी इसको यूज़ कर रहे हैं घरों के पानी। अच्छा जी, मेन बात पे आते हैं कि भाई इसको मरी केपी के का जनूबी अजला का मरी क्यों कहते हैं। उसकी वजह है यार, असल में आपको पता है कि ये 4,600 फीट सतह समंदर से ऊंचा है। नीचे की तरफ जितनी भी आबादी है, आबाद है, ये जो पेदू शहर हो गया, पनेला हो गया, आसपास जो हमारा गिलोटी एरिया हो गया और आसपास जितनी भी बाकी आबादी आबाद है, उधर दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है। और गर्मी के टाइम इवन पिछले से पिछले साल 53 पे पहुंचा था। तो बाकी पीछे आपको बकरियां भी नज़र आ रही होंगी, तो 53 पे पहुंच गया था। तो नीचे की तरफ गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ पे निस्बतन काफ़ी बेहतर होता है मौसम। और जनूबी अजला में ये वाहिद एक जगह है जो सतह समंदर से इतनी ऊंचाई पे है और मौसम जिसका बेहतर होता है, काफ़ी ठंडा होता है। बाकी जनूबी अजला में वैसे केपी के में आपको बाहर हर तरफ पहाड़ है। आप जैसे ही पिशावर से आगे की तरफ जाते हैं तो मलाकंड, सवात और चतराल या दीर, या इवन अगर आप इस तरफ चले जाते हैं हज़ारा वाली साइड पे और एबडाबाद, मानसहरा और नौशहरा, मानसहरा और आगे बटाग्राम और कागान की तरफ चले तो इस तरफ भी पहाड़ है। तो इस तरफ तो ऑटोमेटिकली मौसम ठंडा है, लेकिन इधर से जो जनूबी अजला है ये इधर गर्म होता है। कुहाट, करक, बनू हो गया, लक्की और डी खान, टांग हो गए, ये सारे गर्म एरिया है। यहाँ पे पहाड़ है भी तो वो छोटे हैं, इतने ज़्यादा बुलंदी भी नहीं है, इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं है जितना ये शेख बदीन है। तो शेख बदीन ज़रा ऊंचा है, तो उस ऊंचाई का फ़ायदा ये है कि भाई थोड़ा सा ठंडा है। बाकी जनूबी अजला में बाकी इतना कोई, जनूबी के पी के में स्पेशली कोई और इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है जहाँ पे मौसम इतना बेहतर हो। तो बाकी मैं आपको साइट विज़िट कराता हूँ। ये इधर पूरा एक गाँव आबाद है और ये वैसे आपको पीछे की तरफ नज़र भी आ रही होगी, ये नई पॉड्स, वो स्लीपिंग पॉड्स बनी हुई हैं, ये लोग इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी लगाए हुए हैं कुछ दिन, साल दो साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर रहे, तो कोई टूरिस्ट अगर बाहर से आता है तो वो इधर स्टे भी कर सकता है। ऊपर पहाड़ ऐसा नज़ारा दे रहा है, ये देखो। भाई ये पूरा स्पॉट बना हुआ है, ये देखो, रहने के लिए जगह भी है। ये देखें, ये रेंट पे लेके आप इधर स्टे भी कर सकते हैं, नाइट स्टे। ये अभी बने हैं, तकरीबन साल दो साल हो गए केपी गवर्नमेंट ने इधर इंस्टॉल किए हैं फैसिलिटी, टूरिस्टों के लिए सारा कुछ है। ये देखें रिहाइश के लिए जगह भी, आपके लिए पॉड्स बने हुए हैं। और इसका रेंट वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ कि गारंटी साथ। तब ये देखो हर तरफ, और ये लश ग्रीन शेख बदीन सामने, हमारी टीम के एक जवान लेटा हुआ है और दूसरा वुजू कर रहा है, और ये पूरा सराउंडिंग है। ये देख, ये डबल पॉड है रहने वाला, वो सिंगल वाला है और ये डबल है। अच्छा दोस्तों, रिहाइश से मुतलक मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि इधर अगर कोई स्टे करना चाहते हैं एक दो दिन या तीन दिन या जितने भी दिन वो रहना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या, उसको क्या करना चाहिए। इधर लोगों के पास भी वो स्टे कर सकते हैं, इधर उनके बैठक वगैरह में इनके पास रिहाइश है, घर है, कुछ लोगों के खाली घर है, उधर भी वो लोग स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के पॉड्स वगैरह, रिहायशी पॉड्स बने हुए हैं, तो आप इधर भी स्टे कर सकते हैं। ये डबल वाला है, मैंने अभी रेंट का भी पता किया है, तो वो कह रहे थे कि 2,000, जबकि वो पीछे मेरे ये सिंगल वाला है उसका 1,500, और टेंट भी इधर लगी हुई होते हैं वो 1,200 में वो लोग देते हैं। 1,200 का टेंट हो गया सिंगल पॉड, ये जो है ये हो गया 1,500 का, और 2,000 का ये डबल वाला। तो ये इस तरह
और अभी तो कोरोना है, कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है ना, तो वो कह रहे हैं कि जब कोरोना लॉकडाउन ये वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो फिर इधर फिर ये जगह दोबारा हम लोग बात कर लें। इधर फिर कुकिंग का भी सिस्टम होता है इधर प्रॉपर, वो पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी आज से साल 2 साल पहले, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये फैसिलिटीज़ दे दी है। अब इधर खाने का भी आपको कोई इशू नहीं हो सकता, बिजली ऑलरेडी इधर पहुँची हुई है, पानी के लिए बड़े से तालाब बने हुए हैं तो इधर से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और रिहाइश के लिए पॉट्स बने हुए हैं तो आप इज़िली इधर 1 2 3 दिन जितने भी आप लोग स्टे करना चाहते हैं गुजार सकते हैं इज़िली। ओके, और इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है। अच्छा देखो, इधर लाइट है, बिजली है, ये देखो ऊपर खंभे भी लगे हुए हैं, साथ में ये तार गई हुई है, ये देखे सामने की तरफ, तो रात के वक्त भी इधर लाइटिंग का सिस्टम होता है, ये देखे हर तरफ वायर गई है, और बैठने के लिए बेंच भी बने हुए हैं, तो बेहतर है रहने के लिए, 1 2 दिन रहने के लिए काफ़ी बेहतर जगह है। परिंदों की आवाज़ें चेक करें, अच्छा दोस्तों इधर अभी जो चौकीदार साहब थे वो इसकी पिक्चर ले रहे थे इस दरख्त की, तो मैंने पूछा कि क्यों इसकी पिक्चर ले रहे थे, वो कह रहे कि नीचे जो हमारे ऑफिसर थे वाइल्ड लाइफ वाले, उन्होंने बोला कि इसकी पिक्चर लो इस दरख्त की और हमें सेंड करो। एक तो ये मालूम कर रहे हैं कि इसकी एज क्या है, बाकी ये दरख्त है कौन सा, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये वाला दरख्त है, मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि कौन सा दरख्त है, शायद आप में से कोई इसको जानता हो। अंग्रेज़ के टाइम यहाँ पे ये रेस्ट हाउस, या इधर के लोग इसको डाक बंगला बोलते हैं, ये भी बना था, अब तो टूट फूट का शिकार हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन आसार है अभी भी। तो ये लोग अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, जब गर्मियाँ होती थी तो नीचे ही रहती हुई, इधर ऊपर शेखुद्दीन के ऊपर आ जाती, यहाँ पे मौसम बेहतर होता था, यहाँ से सरकारी अमूर अंजाम देते थे। अच्छा दोस्तों, इधर अंग्रेज़ लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं आते, इधर पूरा एक इनका सिस्टम था, पुलिस स्टेशन भी था, ये लोग इसको यूज़ करते थे, अगर कोई मुजरिम वगैरह उसको इधर ही रखते थे, और बाकी ये लोग इनके कैफे, ये जो पीछे आपको मैंने बताया भी था कि रेस्ट हाउस है या डाक बंगला जो भी है, इधर के मकामी लोग इसको डाक बंगला बोलते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रहते थे और सरकारी अमूर यहाँ से अंजाम दे देते थे ये गर्मियों के टाइम। सर्दियों के टाइम तो वो नीचे की तरफ चले जाते थे, लेकिन गर्मियों के टाइम ये जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे जब वो यहाँ पे इनकी हुकूमत थी बड़े शरीर के ऊपर, तब लोग ये लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते थे इसी एरिया को। क्या हाल है, तक तो नहीं गए हो ऊपर आके? हैं नहीं है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि कैसे नीचे उतरेंगे उसके लिए थोड़ा सा वो चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। आफिस क्या कहते हो, नीचे उतर जाओगे? इंशाल्लाह और ये बताओ ये जगह कैसी है? जगह मजे की है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है, काफी ठीक है, हमारी इलाके के लिहाज से तो बहुत ज्यादा हमारी ठीक एरिया है, की इजाज़ है उस हिसाब जिस से, तो तरह ठीक, की खान है और लकी मरत है ना, इस लिहाज से बहुत अच्छी है। लेकिन ये नहीं है कि अयूबे ने थे गले जैसा नहीं क्रेज सर, आपको वो तो मिलेगा, बिल्कुल लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है हमारी एरिया बहुत के हिसाब से, बेहतर है। बहुत बेहतर है। तो अभी हम लोग ज़रा ये जो विलेज है इसकी ज़रा सैर पे निकल आए हैं, देखते हैं इधर आसपास एरिया को, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेटवर्क काम करता है, टेलीनार, टेलीनार अच्छा खासा काम करता है, बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, यू यार यू मेरे पास वैसे मोबलिंक भी है वो सही तरह काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, जैस टेलीनार सही काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी कॉल्स मुझे भी आई है, तो टेलीनार सही काम कर रहा है जी। दोस्तों वीडियो में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे अंग्रेज़ ऑफिसर जो थे गर्मी के टाइम यहाँ पे आते थे, 3 4 महीने 5 महीने वो इधर ही गुजारते थे, तो रेस्ट हाउसेस के और ऑफिस के अलावा यहाँ पे उनका ये पुलिस स्टेशन भी था, ये बिल्डिंग रूम्स वगैरह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, दीवारें वगैरह अभी भी है यहाँ पे, ये फेंस अभी बनी है कुछ ही अर्सा पहले, ये गवर्नमेंट ने बनाई है, साथ में ये बिल्डिंग भी, तो ऐसे ऐसे ये जगह डेवलप हो रही है। अभी हम डाक बंगले की तरफ जा रहे हैं, या जो रेस्ट हाउस यहाँ के मकामी लोग थे इसको डाक बंगला बोलते हैं, जबकि ऑफिशली आई थिंक ये लोग अंग्रेज़ के दौर में इसको रेस्ट हाउस
बहुत ठीक है। अब तो कुछ रूम भी दीवार ही रह गई है जी। दोस्तों डाक बंगला की सैर कराते हैं आपको। ये क्या भाई, क्या अंग्रेजों ने क्या क्या आर्किटेक्चर है इनका, क्या कमाल की इन्होंने बनाई हुई है। और ये सामने हफीज बैठा हुआ है। ये डाक बंगला की इमारत जो कंडरात कमांडर पेश करी, और ये सामने हफीज, और हफीज ये व्यू इंजॉय कर रहा है। व्यू कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सामने की तरफ ऐसे व्यू देखने को मिलता है आपको। जी दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा एक गांव आबाद है। यहाँ पे एक दो शॉप्स भी हैं, इसके अलावा घर भी ढेर सारे हैं, और स्कूल भी है, एक छोटा सा स्कूल ही है। पीछे की तरफ आपको बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, प्राइमरी स्कूल। तो वही बस एक दो दिन के लिए काफ़ी है, अगर आप इधर आते हैं तो एक दो दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। यही है सारा कुछ भाई, ये सारा सीन है यहाँ पर।